हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। आज मैं क्लास 9 मैथ चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन फिगर 10.39 ए बी सी एंड डी आर फोर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 20 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी, यानी हमको एक फिगर दिया है उसमें ए बी सी डी चार पॉइंट्स है और ए सी और बी डी दो कॉर्ड्स हैं और ये दोनों कॉर्ड्स ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ई पॉइंट पे ही एंगल बी ई सी बन रहा है जिसकी मेजरमेंट हमको 130 डिग्री दी है और हमको एंगल ई सी डी भी दे रखा है जिसकी मेजरमेंट है 20 डिग्री और क्वेश्चन में हमको एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल फाइंड करने को कहा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बी डी कॉर्ड देखूं तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक तो ये 130 डिग्री वाला एंगल बी ई सी और दूसरा ये छोटा एंगल एंगल सी ई डी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं लिखता हूं एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन होगा इसका लीनियर पेयर। एंगल बी ई सी हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है 130 डिग्री तो उसकी वैल्यू हम यहां पुट करके सी ई डी निकाल लेंगे। तो एंगल सी ई डी इक्वल्स टू, अब यहां पे एंगल बी ई सी प्लस में है तो उल्टी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी ई सी। तो एंगल सी ई डी आ गया हमारा 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 150 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आ गया हमारा 50, ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल है सी ई डी, ये छोटा सा ट्रायंगल, इसमें हमको तीन में से दो एंगल्स मिल चुके हैं, एक ये वाला 50 डिग्री, एक ये वाला 20 डिग्री। तो जो एक एंगल बचा हुआ है हम उसको एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल सी ई डी एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई डी, ई सी डी है ये वाला, सी ई डी है ये वाला, प्लस एंगल ई डी सी यानी ये वाला इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन होगा इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। ई सी डी दिया है हमको ये 20 डिग्री, सी ई डी यानी ये वाला हमने निकाल लिया है अभी 50 डिग्री। तो ई सी डी का लगता हूं मैं 20 डिग्री, सी ई डी की जगह 50 प्लस एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180, 50 और 20 होते हैं 70, तो 70 प्लस एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ई डी सी आ गया हमारा 180 माइनस 70, यहां प्लस है तो इधर जाके माइनस, इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब जब मैं कॉर्ड को देखता हूं बी सी कॉर्ड को, तो एक सेगमेंट है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है एक सर्कल में। तो जो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि एक सेगमेंट के ऊपर कोई दो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे बीसी सेगमेंट के ऊपर एक एंगल डी बन रहा है और बीसी सेगमेंट के ऊपर ही ये एंगल ए बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और अभी अभी हमने एंगल डी निकाल लिया है लेकिन क्वेश्चन में हमको एंगल ए निकालने को बोला गया है, तो एंगल ए भी एंगल डी के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 110 डिग्री और रीजन होगा एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। यही है हमारा फाइनल आंसर और यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।